अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन स्टो। तो उसके लिए मैं मसाला ली हूँ, जीरा, तेज पत्ते, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी के दो टुकड़े, एक बड़ी इलायची, एक बादियन फूल, 5 से 6 सूखी लाल मिर्च। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मटन स्टो में। तो तेल गरम हो चुका था, सब मैं डाल दी हूँ। 1 किलो मटन है और आधा किलो प्याज है। तो ये सब मैं डाल दी हूँ। प्याज को हल्का सा इसे मिक्स करूँगी मैं। और इसमें सब ये खड़े मसाले ही जाते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ गरम मसाले नहीं जाते हैं, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो देखिए, ये प्याज हल्का नरम हो चुका है। और उसके बाद मैं इसमें अदरक, लहसुन और 4 हरी मिर्च, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे भी हल्का सा भूनूंगी मैं। तो देखिए, ये सब मिक्स हो चुका है। तो अभी मैं ये मटन भी ऐड करूंगी, जो 1 किलो है। तो ये टमाटर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 4 टमाटर थे जिसे मैं कट करके डाल दी हूँ। ये 2 चम्मच नमक और आधा गिलास पानी में डाली हूँ, क्योंकि मटन भी अपना पानी छोड़ता है। और ये मैं बंद करके रख दी हूँ। तो देखिए, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, मटन मेरा एकदम गल चुका है। तो देखिए, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये 5-7 मिनट बाद ऐसा दिख रहा है अभी। तो ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसे मैं निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा मटन स्टो कैसा बना। और ये मैं हरा धनिया भी इसमें डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च ये भी डाल रही हूँ मैं। तो देखिए, बनके तैयार है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।